नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कल अपने रिसोर्सेज से फुलवारी शरीफ में वैसे लोग जिनका रोजगार छिन गया है, मजदूरी नहीं है उनके पास, उनके लिए कल खाद्य सामग्री की व्यवस्था की और उनको बाकायदे एक हफ्ते का राशन दिया। देखिए इस रिपोर्ट। एक गुलाम कर लिए गेहूं, एक गुलाम कर लिए इधर दीजिए, इंस्पेक्टर साहब को पकड़ा है। आइए हैं, जाइए जाइए, थोड़ा तुम को थोड़ा तुम को आइए ले गए सब के पीछे 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 लेकर। देखिए सर, इधर जरा सा झांक लिए, इधर जरा सा देखते हुए सर, देखते हुए जरा सा ऐसे फोटो खिंचवा लीजिएगा सर, करना समझ में आएगा। आइए आगे आइए, हो गया ऐसा वही रही है वही। सर कुछ दीजिए इंस्पेक्टर साहब को, ये दीजिए सर। आप लोग सीढ़ी पर उतरने ना, बस में ना सीढ़ी पर उतरने ना, बढ़ाया जाएगा कितना आप लोग सब नहीं है, नहीं है सर, तो हट जाएगा सर। आप लोग उतरिए ना, सुनिए सर जी, आप लोग उतरिए ना, मेरे लिए ये करके चल चलो। आप नाम लिखवाया है? नहीं, अभी पहले से कर दो, पहले लिखा हुआ है मात्र सुन लीजिए। बैठिए हो जाएगा, आपने देखा बिहार जदयू की प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, अपने घर से फुलवारी शरीफ के लोगों को खाद्य सामग्री वितरित किया उन्होंने, और जितना उन्होंने ये भी कहा मीडिया से कि जितना हो सका हमने अपने तरफ से किया है, कुछ हमारे जो लोग थे उन्होंने जो डोनेट किया है। हम सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन में जो मजदूर फंसे हैं, जिनको जिनकी दिहाड़ी छूट गई है, मजदूरी छूट गई है, रोजगार छिन गया है, उनको जहाँ तक संभव हो हम मदद करें। निशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।